फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष भारत बांग्लादेश जो मैत्री संबंध है या भारत बांग्लादेश संबंध है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये क्या है, किस प्रकार एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, ये 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के दो देशों के बीच या पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उसके तहत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा मैत्री संबंध चल रहा है, ये मैं आप लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूँ और एक पैराग्राफ के रूप में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम, हमारा रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से है, आप वहां जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ही यहाँ आप लोगों को समझा भी दे रहा हूँ, बहुत कम समय में इस टॉपिक को मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा, भारत बांग्लादेश मैत्री, ये 68वीं BPSC मुख्य परीक्षा विशेष है। देखिए, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास और व्यापार सहयोगी है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता से लेकर उसके एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने तक भारत की भूमिका के बारे में यदि बात किया जाए तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा डीजल पाइपलाइन के उद्घाटन के साथ दोनों देशों के संबंध में एक नया अध्याय लिखा गया है। यानी कि वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो रहा है कि एक डीजल पाइपलाइन विकसित किया जा रहा है और इस मैत्री पाइपलाइन की लागत 377 करोड़ रुपए आई है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, इसका लागत 377 करोड़ रुपए है और इसके माध्यम से हर साल 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति होगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक 512 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग से डीजल भेजा जाता है, इसलिए खर्च तथा ऊर्जा की खपत अधिक होती है। यानी दोनों देशों में 512 किलोमीटर की लंबी रेल मार्ग है जिसके द्वारा ही ये आपका डीजल की आपूर्ति एक दूसरे देश को होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुख की बात या सबसे बड़ी बात देखिएगा तो इसमें खर्च और ऊर्जा की खपत अधिक होती है। प्रधानमंत्री ने उचित ही रेखांकित किया है कि पाइपलाइन बढ़ने से खर्च में कमी के साथ कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा। इससे डीजल की आपूर्ति असम के नुमालीगढ़ से उत्तरी बांग्लादेश पहुंचेगी। यानी कि बांग्लादेश जो है असम से कम दूरी पर ही है तो नुमालीगढ़ से उत्तरी बांग्लादेश पहुंचेगी। आज अनेक भू राजनीतिक संघर्ष और तनाव के कारण बहुत से देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस पाइपलाइन का महत्व और बढ़ जाता है। बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में भारत का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि यह परियोजना बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने भारत को सच्चे मित्र की संज्ञा दी है। यानी कि इन तमाम चीजों में जो सहायता किया है, इसके वजह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को सच्चे मित्र की संज्ञा दी है। इस पाइपलाइन को बनाने में जो 377 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उनमें से 285 करोड़ रुपए भारत ने वहन किया है। सोचने वाली बात है कि 377 करोड़ रुपया टोटल खर्च, जिसमें से 285 करोड़ रुपए भारत ने निर्वहन किया है, जिसे अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। भारत ने विभिन्न मदों में बांग्लादेश को रियायत की दरों पर 8 अरब डॉलर से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है, चाहे कोरोना वायरस दवाओं से या मेडिकल उपकरणों और वैक्सीन देने का मामला हो या संकट के समय तात्कालिक सहायता देना हो, भारत में अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल में श्रीलंका और मालदीव के सहयोग से देखा जा सकता है, यानी सहयोग में से देखा जा सकता है, बहुराष्ट्रीय मंच एवं स्टेट में भी विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। डीजल पाइपलाइन समझौते की अवधि 15 साल है, जिसे दोनों देश आपसी सहमति से बढ़ा सकते हैं, ये पढ़ा नहीं बढ़ा सकते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री विगत वर्षों में भूमि विवाद सुलझा चुके हैं।
यानी 3 बीघा कॉरिडोर तथा नदी समझौताओं को भी मजबूत कर चुके हैं। भारत और बांग्लादेश का संबंध हमारे पड़ोसियों विशेषकर चीन और पाकिस्तान के लिए आदर्श उदाहरण हो सकता है कि उन्हें भारत के साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए। पड़ोसी देशों के बीच ऐसे संबंध दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व को ठोस आधार प्रदान कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रिंटेड नोट्स में आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये भारत बांग्लादेश अति महत्वपूर्ण एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसे आप बेहतरीन रूप से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन ढंग से आपको याद हो भी जाएगा। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।